Hey guys, welcome back. It's Arjun Mittal here, founder and CEO Tax Advisory. आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि मार्केट प्लेस के थ्रू या D2C फाउंडर्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाहते हैं, राइट? सो वो कैसे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए फूड लाइसेंस कैसे अपना बना सकते हैं. सो मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे, विजिट करोगे, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे अपीयर होगा. उसके बाद जर्नल वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना. स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे देना है, जो भी आपका स्टेट लगता हो. लेट्स से हमारा स्टेट यहाँ पे हरियाणा लगता है, तो उसके बाद हमारे पास कई सारे कैटेगरी ओपन होके आ जाती है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेलर, फूड सर्विसेज, सेंट्रल एजेंसीज एंड हेड ऑफिस. सो हमें ट्रेड डिटेल में जाके यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का. सो बेसिकली जब ये बात करते हैं फूड लाइसेंस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो इसमें जो भी सेलिंग थ्रू Amazon, सेलिंग थ्रू Flipkart, सेलिंग थ्रू Meesho या अदर मार्केट प्लेस की बात कर रहे होते हैं हम, या हम बात कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को मार्केट प्लेस बना के सेल करने की, या अपनी वेबसाइट बना के खुद B2C वेंडर बनने की, राइट? सो यहाँ पे हमें इस कैटेगरी को अप्लाई करना होता है, और ये कैटेगरी सेंट्रल लाइसेंस में ही आती है. मैंडेटरी सेंट्रल लाइसेंस की ही कैटेगरी है. अब हम इसको सीखते हैं कि इसको हमें कैसे आगे फिल करना है एप्लीकेशंस को. सो यू आर एलिजिबल फॉर द सेंट्रल FSSAI लाइसेंस. इसने खुद ही अपने आप ही सेंट्रल FSSAI लाइसेंस निकाल लिया, राइट? सो यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें आपको अपनी एड्रेस वगैरह यहाँ पे लगाना है. GST नंबर आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट फीस जाती है FSSAI की, उस पर GST भी आजकल चार्ज होने लगा है, और GST 18% को आप क्लेम कर सकते हो अगर आप अपने यहाँ पे इनवॉइस ले लोगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में हमें SIN नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन हो जाता है यहाँ पे, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो अपना पैन नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अगर आप देख रहे हो तीनों में से कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा. सेव एंड नेक्स्ट अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये लोकेशन, पिन लोकेशन मांगेगा, एग्जैक्ट लोकेशन ये उठा लेगा आपकी, राइट? आप उसको पिन को आगे पीछे करके एग्जैक्ट लोकेशन लगा लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फूड कैटेगरी आपसे मांगेगा. लेट सी, वी आर टॉकिंग अबाउट बेवरेजेस, कि हमारा इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी से रिलेटेड स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है और हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे बेवरेजेस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सेव एंड ऐड कर देंगे. लेट से हम कन्फेक्शनरी की भी कुछ कर रहे हैं ई कॉमर्स में, तो वहाँ पे ऐड कर देंगे. इसके बाद ये वेबसाइट का एड्रेस डालता है, तो जो भी आपकी वेबसाइट है उसको एड्रेस आप डाल सकते हो. इसके अलावा अगर आपका कोई ब्रांड है, आपने कोई ट्रेडमार्क वगैरह लिया हुआ है, तो ट्रेडमार्क की भी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. इसको सेव एंड ऐड करके आप इसे सेव एंड नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑफ अदर FBO इज प्रोवाइडेड यहाँ पे नो कर दीजिएगा. इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा. उसके बाद ये आपसे मांगेगा एप्लीकेंट नेम, आप अपना एप्लीकेंट नेम दे दीजिएगा. एप्लीकेंट नेम के साथ यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा. सो ईमेल आईडी जो आपकी वर्किंग हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा, आप ईमेल आईडी वही मेंशन कीजिएगा. और इसके अलावा आपसे फ़ोन नंबर भी मांगेगा, फ़ोन नंबर जिस पे आपका OTP आ जाता हो, जरूरी नहीं आधार वाला OTP जाएगा. यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा. यहाँ पे आप अपना सेल्फ का, पेरेंट्स, सन, डॉटर, ब्रदर्स, सिस्टर, स्पाउस, रिलेटिव, किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है. ये लॉगिन आईडी आप अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, ये आपको एट द टाइम ऑफ लॉगिन काम आने वाली है. इसके बाद आप अपना पासवर्ड अपना एक क्रिएट कीजिए. पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको न्यूमेरिक और उसका ध्यान रखना है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, और एक कैप्स जो होना चाहिए, कैप्स में भी होना चाहिए एक अल्फ़ाबेट. इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करके और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है. इसके बाद ये आपको OTP सेंड करेगा. सो OTP आपके पास मोबाइल पे और मेल पे दोनों में आ जाएगा. मेरे पास OTP यहाँ पे रिसीव हो चुका है. सो यहाँ पे अगर हम इसे सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद हमें ये सीधा एप्लीकेशन पे ले जाएगा. ये आप यूज़र आईडी को सेलेक्ट करके रखिएगा अपने पास. सी, जब आपने अपनी यूज़र आईडी सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, तो आपको ये मेन एप्लीकेशंस पे ले जाने वाला है. एप्लीकेशन पे आने के बाद आपसे कम्युनिकेशन की डिटेल मांगेगा. आप इसको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इसको यस कर दीजिएगा. अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है और हेड ऑफिस अलग है, तो आप इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं.
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक ठीक डालिएगा यहाँ पे। रीजन बीइंग कि एफएस फूड इंस्पेक्टर आपकी प्रीमाइसिस पे आके विजिट भी कर सकता है। यहाँ पे जो पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशंस है, बेसिकली ये मैनेजर है आपके बिजनेस का, जो कि आपके बिजनेस की सारी देखरेख करता है और आपके सारे बिजनेस को मैनेज करता है, राइट। सो इस तरीके की आप चीजें बहुत ही बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट भरिएगा, क्योंकि अगर ये चीजें वेरिफिकेशन में पकड़ी गई और चीजें एग्जैक्ट नहीं मिली तो आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने में। उसकी क्वालिफिकेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो ये लोग केमिकल की या किसी फूड में रिलेटेड प्रोडक्ट में ये डिग्री वगैरह मांगते हैं, नहीं तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे चल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फोटो आईडी में डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी फोटो आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस, इसको अगर सेम रखना चाहते हैं, ज़्यादातर केसेस में सेम ही होता है, आप इसको यस कर दीजिएगा। उसके अलावा गाइज यहाँ पे इसने अगर फीस दिखाई है तो 1 ईयर की फीस है 7500, उस पर 18% GST लगा है 1350 का, जो कि अगर आप फर्स्ट स्टेप पे GST नंबर डाल लेते अपना तो आपका क्लेम हो जाता, राइट। अभी भी ऑप्शन है, आप बैक जाके क्लेम कर सकते हो, राइट, उसे डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर पेंडिंग रह रहा होगा तो ये अपने आप यहाँ पे शो कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि अब आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से अपलोड कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर पार्टनर प्रोपराइटर, सी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के केस में लेटर हेड पे आप अपने डायरेक्टर्स के नेम, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करके साइन करा के सबमिट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सेम डिटेल्स आप लेटर हेड पे निकाल के मेंशन कर सकते हैं। प्रोपराइटर के केस में प्रोपराइटर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके रेजिडेंशियल एड्रेस को लेटर हेड पे आप मेंशन करके साइन एंड स्टैम्प करा के उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमसे ये बात मांगता है फोटो आईडी। फोटो आईडी आपकी देखो कलर होनी चाहिए और सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए, राइट। सेल्फ सर्टिफाइड किसको बोलते हैं, जिसे हम साइन करके अपलोड करते हैं, राइट। उसके बाद ये मांगता है प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस में आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे वो लगा सकते हो, किसी रिलेटिव का प्रीमाइसिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस NOC आप GST की तरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये मांगता है प्रूफ ऑफ बिजनेस, राइट। सो प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन MOA और AOA की यहाँ पे 1-1 कॉपी लग जाती है। MOA की वो कॉपी अपलोड कीजिएगा जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अपीयर हो रहा हो, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लग जाएगा और AOA हो जाएगा, AOA का वो वाला पेज लगेगा जिसमें आप फूड बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज है, वो वाली क्लोज मेंशन हो, राइट। फिफ्थ नंबर पे हमसे मांगता है नॉमिनेशन। सो आपको अभी फॉर्म बी में हमने देखा था कि नॉमिनेशन में जो भी आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसका नॉमिनेशन मांगता है। सो इसके लिए आपको ये सैंपल डॉक्यूमेंट दे रहा है एक इंग्लिश में। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच यूनिट का नेम लिखना है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैनेजर का नाम लिख के उसके साइन करा लेना है, प्लस उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्टैम्प वगैरह भी देनी है। लेकिन ये केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही है, ये नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोपराइटर, इसमें क्लियरली मेंशनड है, राइट। इसके अलावा रिकॉल प्लान ये मांगता है। सो बेसिकली रिकॉल प्लान क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट किसी मार्केट में उठा रहे हो, सो फूड लाइसेंस अथॉरिटी क्या है कि पब्लिक की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, राइट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और वो 6 मंथ से ज़्यादा की उसके अंदर एक्सपायरी है, 6 मंथ से ज़्यादा में वो एक्सपायर हो जाता है, लेट से वो सेल नहीं हुआ, वो एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट, बट वो मार्केट में तो है, एग्जिस्ट करता है, सो उसको आप मार्केट में पब्लिक उसे खरीदे ना, आपके पास क्या प्लान्स है, उसको आप वापस रिकॉल कर लें अपनी यूनिट में, आपके पास क्या प्लान है इसके लिए। सो इसको रिटेन में आपको देना होता है, उसको रिकॉल प्लान बोलते हैं, राइट। इसके अलावा ई कॉमर्स लाइसेंस में कुछ ज़्यादा मेजर डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग के केस में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का सीखना है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आपको ऑप्शन कई सारे मिल जाते हैं, बट आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जितने भी है उसको अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करवा के पेमेंट करा लेगा 8850 की। इसके बाद आपको अपना मेल ट्रैक करता रहना है, लॉगिन आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपको मेल और लॉगिन करके ट्रैक करते रहना है और आपको लाइसेंस इसके अंदर ऑनलाइन अप्रूवल आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत आती है किसी डॉक्यूमेंटेशन में या लाइसेंस के एप्लीकेशन फिल करने में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिलेगा,
आप उनको व्हाट्सएप नंबर्स भी मिल जाएंगे, मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो जो आपकी फूड लाइसेंस अप्लाई कराने में हेल्प करेगी, और आप अगर क्वेरी रेज कर दोगे तो मेरी टीम अपने आप आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।